जनपद रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में तीसवे केदार भगवान तुंगनाथ की चार विग्रह उत्सव डोली मंगलवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ गर्भगृह से बाहर आकर तुंगनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि भगवान तुंगनाथ की चार विग्रह उत्सव डोली का रात्रि विश्राम भूतनाथ मंदिर में होगा और 9 मई को यात्रा भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर चोपता में रात्रि विश्राम करेगी। 10 मई को डोली चोपता से तुंगनाथ के लिए रवाना होगी और 11 बजे यात्राकाल के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे। जानकारी के मुताबिक भगवान तुंगनाथ की चाल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश जाते समय यहां पर पुड़खी का मेला लगता है जिसमें संपूर्ण तुंगनाथ घाटी का भोज होता है। रुद्रप्रयाग से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। जो भूतनाथ के पास में पड़ता है यहाँ पे जो है लोग अपना जो है कि रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं और जो भी प्रक्रियाएं यहाँ पे होती है गांव वालों के द्वारा वो की जाती हैं। और इसके बाद अभी जो भोग लगेगा और भगवान जी जो है कि अपने जो है कि प्रथम पड़ाव जो है कि नाथ जी के पास चले जाएंगे। कल यहीं प्रवास होगा। परसों भगवान तुंगनाथ जी जो है कि अपने द्वितीय पड़ाव चोपता नामक स्थान पर पहुँच जाएंगे और 10 तारीख को जो निर्धारित तिथि 8:30-9 बजे की लगभग जो की गई है कपाट खोलने की, तो वहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। धन्यवाद।